आज बहुत 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 ही स्पेशल डे और वेरी बिग डे फॉर आवर फैमिली. टुडे इज गौरव्स वेडिंग. क्या हुआ है? स्किन प्रेप हो रही है. जी आप बन गए हैं जेट. आपको कैसा फीलिंग आ रही है? हम कमरे में आ गए. मैं मर गई हूँ. टूट गए मेरे पैर. ओके बहुत चिल आउट पार्टी थी. ऐसे कुछ हेक्टिक नहीं थी बट ऑब्वियसली हम बहुत लेट हो गए एंड अभी हमें सुबह 7 बजे उठना था. तो वी हैव जस्ट वोकन अप. आई हैव टू गेट रेडी. मेरी मेकअप आर्टिस्ट का फोन आ रहा है. वो नीचे पहुंच गई. मुझे क्विकली आई हैव टू गो फॉर अ शावर. मैं साथ साथ में बातें करती रहूंगी. ओके सी यू. स्टे ट्यून्ड. हो गई हूँ नहा धो के रेडी. गौतम सो रहा है. उसका सर दुख रहा है एज यूजुअल आफ्टर अ हेक्टिक नाइट. जो होता ही है. मेरे को और मेरे हस्बैंड को ऑफिशियली बता रही हूँ अल्कोहल सूट नहीं करती. चाहे हम 1 ड्रिंक भी पिए हमारी ठुस हो जाते हैं. हम या तो हम बुढ़े हैं बहुत हो गए हैं मतलब या तो फिर हमको बिल्कुल हमारी बॉडी ने कहा स्टॉप इट. हेलो या हाय या सो 410 मेकअप आर्टिस्ट ऊपर आ रही है. रेडी होना है और बहुत हेक्टिक है. और जिन लोगों को नहीं पता जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, मेरी आंख पे स्टाई हो गई थी शादी से 4-5 दिन पहले और कल वो सबसे मोटी हो गई. मैं ऐसे पॉजिटिव बिल्कुल वाइब्स दे रही थी उसको कि ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी. हो ही नहीं रही और कल शादी से 1 दिन पहले सबसे मोटी. फिर वो फट गई. लेकिन अब ये जो इसका मार्क रह गया थोड़ा सा ना डार्क सर्कल्स में छुप गई है. बेस्ट तरीके हाइड करने का डार्क सर्कल इतने हो कि स्टाई हाइड हो जाए. बट एनीवे अब कराएंगे मेकअप फिर नाचना है बारात में. बहुत मजे करने हैं आज. एनर्जी ठोस है पर क्या पी. कॉफी पीते हैं. ब्लैक कॉफी बहुत फायदेमंद होती है. रेडबुल आती थी ना एक पहले. कुछ करना पड़ेगा. स्टे ट्यून्ड गाइस. क्या हुआ है? ये वेरी है स्किन प्रेप हो रही है बिफोर द मेकअप. स्किन प्रेप या ताकि यस इसके ऊपर नहीं इसके हटा स्किन प्रेप के ऊपर मेकअप. हां बिकॉज़ सो दैट इट स्टिल लुक्स फ्रेश एंड नाइस. नाउ आई विल डू माय स्किन प्रेप. आई वोंट नीड मेकअप. हां सो यू डोंट नीड मतलब यू डोंट इवन हैव दैट ऑप्शन. तू क्या लगा के जाएगा लैशेस. आई थिंक देयर इज एन ऑप्शन यू पुट मेकअप आफ्टर. हां यू हैव गुड स्किन. And you're trying to tell me I have bad skin. That every girl will put makeup na in shaadi no matter how much prepping I do. Hi, good morning. मैंने actually vlog शुरू कर लिया है. आधा फोन से शूट हुआ और आधा इससे. तुम लोग क्वालिटी में फर्क देखना और मेरी स्किन टेक्सचर में भी. मैं रेडी हो रही हूँ. लाइटें ऑफ हो गई हैं. पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ कैमरा में अभी. पर अभी तक मैं काफ़ी खूबसूरत लग रही थी मेकअप होने के बाद. स्टाई ऑलमोस्ट चली गई है भगवान की कृपा है. भूख की प्यासी में मेकअप करा रही हूँ. कल रात को मैं चढ़ाऊंगी और अभी हमारा उठो जागो जागो शादी है. आई एम वेरी मच. मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है. मैं बहुत देर पहले उठ गई थी. ओके बाय. मुझे चाय थी कॉफी कंप्लीट हो जाए ना ताकि इन लोग को हम दिख सके कितनी खूबसूरत से खूबसूरत. इन्होंने कॉफी इतनी गंदी दी है. ये डिप डिप वाली जो ग्रीन टी जैसी वो लाइट नहीं होती. हल्का सा कॉफी फ्लेवर की कोई टी है ऐसे लग रहा है. मेरे को प्रॉपर चाहिए थोड़ी सी कॉफी. आई नीड लाइक अ प्रॉपर अमेरिकानो. हाउ कैन आई गेट दैट. दिस इज फेक. वो इतनी माइल्ड है कि बस उसमें कॉफी का फ्लेवर है. इट्स नॉट कॉफी. नो ड्रिंक्स. और सुबह इतनी अर्ली वेडिंग. अब जो करेंगे कल आज रात को करेंगे. गौतम इतना भी तो होना. चिलिंग का टाइम है. अनायका ने भी रेडी होना. यू आल्सो हैव टू गेट रेडी. नो बट शी आल्सो हैज टू गेट रेडी. देन लीविंग देन एंड कमिंग अप. गुड़गुड़ शुरू मेरे पेट. बेस्ट चीज है. मैं सुबह इसलिए उठ गई हूँ. अच्छे से खा के सोई थी. 3 कुलचे खाए हैं मोटे मोटे. दाल मखनियाँ और पनीर और वेज कबाब्स. काफी कुछ ठूसा है मैंने. तो आई थिंक अब मेरी थोड़ी बॉडी ने कहा है कि ठीक है अल्कोहल तुमने पी है पर फिर तुमने उसको ठूस ठूस के नल कर दिया. गौतम ने खाया नहीं ज़्यादा. उसकी तबीयत अब ख़राब है इसलिए अभी वो जाके खा रहा है. और मैं जैसा कि मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे से जानते हैं मैं नहीं खाती सुबह. इंटरमीडियंट फास्टिंग करती हूँ. एंड बाई द वे पीपल हु आर वंडरिंग तब से कि कौन मेकअप कर रहा है इतना अच्छा. हर नेम इज़ रवीन आनंद.
अगर आपकी शादी है जयपुर में, दिल्ली में या कहीं पे भी, तो ये आके आपको बहुत खूबसूरत बना देंगी। और अगर आपकी फैमिली में भी किसी की वेडिंग, शी डज एक्सीलेंट मेकअप, आई वर्क्ड विद हर बिफोर आल्सो इयर्स बैक एंड शी हैड डन माय मेकअप फॉर अ शूट एंड वी अगेन कनेक्टेड एंड नाउ टुडे शी इज गेटिंग मी रेडी फॉर गौरव वेडिंग, शी इज फैब। इनका नाम है रीटा वर्मा, हेयर बाय रीटा वर्मा। इनके बाल भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब अपने ही दिखाऊंगी जो ये कर रही है मेरे बालों पे। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? Skills, basketball. कुछ ऐसा ग्रेट जॉब नहीं करती मैं, पर मेरे को बस ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा कुछ कर लेती हूँ। मुझे डर लगता है क्योंकि कई बार ना कई कई लोगों ने यहाँ से काले कर दिए हैं या यहाँ से इतने लंबे कर दिए हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, द वंस हु नीड टू ब्लश ऑन, और बाल भी बाल क्या कर रहे हो? और मैं कॉमेडी भी तो भी मारता हूँ। क्या ये आओ जल्दी लहंगा पहनो। हाय क्यूटी, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्या ख्याल है जी आपका? अकेला आदमी खुद कैसे रेडी हो सकता है? यस बेबी, आई एम हियर, राइट, लुक इन योर हार्ट। मेरे लहंगे पे स्टेप मत कर, देख लो अगर ये इतना कुछ भी मत करो या हेड पे सिर्फ जोड़े में कर दो, ये अच्छा है ना, इतना तो कर सकते हो। हाँ मिनिमम, या दिस इज लुकिंग फाइन। हाँ जी मॉम, मिल गए ना पैकर? हाँ जी मिल गए। अनायता गई नीचे? नहीं अभी रेडी हो रही है, शादी की फील आ रही है, जैसे मेरी अपनी बारात आ रही है नीचे। पर ऐसे होते हैं दिल्ली वाले, ऑलवेज एक्स्ट्रा, और दिल्ली आके और एक्स्ट्रा हो जाते हैं फिर। तो ये हो रहा है आज मेरे साथ। अब तुम लोग हो गए बहुत सुंदर लग रहे थे एटसेट्रा, मुझे पता है। थैंक यू वर्ड, बिल्कुल दुल्हन टाइप की मैं रेडी हो गई हूँ, बस सर पे पल्ला लेना बाकी है मेरा, बाकी कुछ कसर नहीं छोड़ी है मैंने दुल्हन बनने में। आज लहंगा इज वेरी प्रिटी, इट्स बाय नीता लुल्ला, इट्स वेरी नाइस। मैंने अपनी शादी पे एग्जैक्ट सेम कलर पहना था, सेम। यार शूटिंग इन अ होटल रूम, ऐसे लग रहा है वही दिन आ गया है वापस, रिपीट आफ्टर 5 इयर्स। आई एम ओनली वेटिंग फॉर अनायका टू गेट रेडी, आई एम कंप्लीटली रेडी। यू कांट बी लेट। ओके आई एम कमिंग डाउन। एंड डोंट गिव अ बिगर शूज, इट कीप्स कमिंग आउट, शी कीप्स कंप्लेनिंग। ओके, जो शूज बिल्कुल फिट है ना वही पहनाना, बिग है तो रहने देना, मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। अभी Dark peach. You were also wearing peach dress yesterday, na? Night peach. The night peach you were wearing. Yeah. Okay. Mama is going down. मेरे पास ना slow slow चलने का time नहीं है। Oh, you look lovely. Thank you. When did you guys come? Yes. Last night 3 a.m. Yeah. Flight was so delayed. Thank you.
mom. Namaste. Welcome and welcome. Chachi's wedding. Gigi and Saiba Chachi's wedding. Wow. इंतजार ही नहीं हो रहा है. Somebody cannot wait anymore and we are also waiting for the brides. अब हम जाएंगे खाना खाने. बता रही है हमारी अच्छे से पकड़ो सब लोग. Both are in trouble.
then. If he's so giving, then you're gonna be whacked, na, by your wife. But they're already getting whacked, na. Yeah, badiya tha guru. A lot of us are really afraid that maybe the rules in GG Villa are going to change. Smriti we put out. There hasn't been a problem till now. GG gets busy trying to order all of us food and genuinely being interested in their lives, which I haven't met anybody in Bombay ever do. And that's how gracious he is. Yeah. शादी के बाद वाली गॉसिप होती है ना, वो हो रही है यहाँ पे मेरी बहन के साथ। अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, और मेरे को भूख आज पता नहीं क्यों नहीं लग रही है। शादी संपन्न हो चुकी है गाइस, तालियां। तो अब हम जाएंगे थोड़ी देर में रूम में, मैं खाना खा के। मेरी ज्वेलरी कहीं से आ रही है, मेरे कपड़े कहीं से आ रहे हैं, मेरा ब्लाउज ऑल्टर हुआ नहीं था, अब हो रहा है। बाकी तो मैं ब्रेक के बाद आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। हम आ गए हैं कमरे में। गौतम जी, आप ऑफिशियली बन गए हैं जेठ। आपको कैसा फीलिंग आ रही है? नो जोक्स, मैं बन गई हूँ जेठानी। मेरी आ गई है न्यू देवरानी। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं सबसे छोटी थी अभी तक, और अब मैं सबसे छोटी नहीं हूँ फैमिली में। शी इज ओल्डर देन यू। अब मैं सबसे छोटी नहीं हूँ, तो शी इज ऑब्वियसली यंगर देन मी ना। शी इज यंगर देन यू, ऑफ कोर्स। और रिश्ते में होती है मेन बात यहाँ पे। इंडिया में ये नहीं है कि एज किसकी क्या है, यहाँ पे होता है किसका ओहदा क्या है। नहीं, ओहदा नहीं, व्हाट यू कॉल दैट, लाइक रिश्ते में तो हम उनके बाप तो नहीं लगते, उनके बड़े भाई की वाइफ लगते हैं ना। हम कमरे में आ गए, मैं मर गई हूँ, टूट गए मेरे पैर, और मैंने बहुत स्टूपिड चीज की है। मैं लाई थी स्टिकर्स इसके नीचे पहनने के लिए, पर मैंने हील्स पहन ली एक्साइटेड होके। कोई नहीं दिख रही थी वो हील्स, बट आई कैन गेट अ मसाज नाउ, ओनली फुट मसाज, एनीबडी इज ओके। फुट के लिए तो कोई भी कर दे। मैं भी सब उतारती हूँ अपने आभूषण और गहने, और फिर जाती हूँ, नहीं तो मैं लगूंगी कि मैं टीवी सीरियल से सीधा निकल के मसाज करने आ गई हूँ। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, आपको बहुत मजा आ रहा है ना। बड़ा प्यारी शादी रही, मतलब काफी कुछ अच्छा रहा, अदर देन पैर जो अब ठीक हो जाएंगे शायद। और रात को एक सरप्राइज है आप लोग के लिए, बता देती हूँ। गौतम और मैं परफॉर्म कर रहे हैं डांस परफॉर्मेंस पायस, जो पक्का गुफा पोई, क्योंकि मेरा लहंगा 4 इंच बड़ा है जूतों के बाद भी, तो अटकेगा, मैं गिरूंगी, वो सब देखना आप, कोई बात नहीं। आप बेकार परफॉर्मेंस देख लेना, कोई बात नहीं है, पर देखना जरूर। सी यू आफ्टर अ ब्रेक। लवली, नो आई नेवर गो टू द शिप। Oh, it's quite a huge space. We have to go in the lift. Mamma, Papa are going to dance performance.